नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। जेजेपी के ही विधायकों के दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद सीएम सैनी के बयान से ये बवाल मचा था, लेकिन अब जेजेपी भी सरकार पर हमलावर हो गई है। दरअसल जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद से आरोपों का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उन आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें सीएम ये कहते हुए दिखे कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उन आरोपों की जांच कराएंगे। जिस पर पलटवार करते हुए अब दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि जांच तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग पर भी होनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी कैंडिडेट राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम को साइलेंट सीट माना जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा राजनीतिक गर्मी इसी सीट पर दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अब सीएम सैनी और अभय चौटाला के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी मनोहर वार कर दिया है। मनोहर लाल ने बिना नाम लिए कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों को लेकर जेजेपी का कहना है कि अगर आरोप लगे हैं तो उसमें बीजेपी भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार दोनों ने मिलकर चलाई थी, इसलिए आरोप भी दोनों पर होने चाहिए, ऐसा जेजेपी का कहना है। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या दुष्यंत चौटाला पर लगे आरोपों की जांच होगी? आरोपों को लेकर बदला ये मौसम क्या रुख लेगा, या फिर सियासी गलियारों में उठ रहे ये आरोप भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? अपने गिरे वाहन में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है, उसको समझना चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है, ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है, आज चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सरकार क्या जांच करवाएगी? आपने जैसे कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की, उनकी जांच होगी सरकार? देखिए, उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, जीरो टोल कोई और नहीं, हमने कहा है जीरो जांच का। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। यही गलतफहमी किसी जमाने में बंसीलाल जी को हुआ करती, उनके बेटे सुरेंद्र जी को हुआ करती, और उसका रिजल्ट क्या रहा मैंने आज उदाहरण के तौर पर मंच से बताया। यही गलतफहमी गोल्फ खेलने वालों को है और वो बहुत जल्द दूर हो जाएगा। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो जो लूट हुई वहां पर, जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। तो जेजेपी विधायकों ने जो आरोप लगाए थे दुष्यंत चौटाला पर, अब ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा है। बीते रोज जो है मुख्यमंत्री सैनी ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो इस पर जांच जरूर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब उसके बाद से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी यह बात कह दी है कि जो दोषी है, जो आरोपी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के जेजेपी भी अब हमलावर दिख रही है। दिग्विजय चौटाला इस बीच चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जांच ही करानी है तो नारायणगढ़ में जो माफिया गैंग है उन पर भी जांच करवाए, जो अलग अलग तरीके के माफिया घूम रहे हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी जो आरोप लगे हैं उन पर भी स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए। हालांकि अब जेजेपी का इस मामले में कहना है कि अगर आरोप लगे हैं तो इस आरोप के जिम्मेदार और बराबर के हकदार बीजेपी भी है, क्योंकि हमने सरकार साथ मिलकर चलाई थी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो लोगों के हित में ना हो, यानी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी काम उनके सरकार में नहीं हुआ है।
तो अब इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लगातार सियासत भी इस मामले में गरमा रही है। पहले मुख्यमंत्री का बयान आया, अब पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया, तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि इसको लेकर के जो राजनीति गरमा रही है आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या एक्शन इस पर लिया जाएगा, क्या कोई शिकायत सामने आती है, क्या किसी तरीके का आरोप सिद्ध होता है या फिर क्या जेजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, इन तमाम चीजों पर आज ही चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि बीते रोज सीएम सैनी ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है इन भ्रष्टाचार को लेकर के तो हम इसके खिलाफ जांच जरूर करेंगे। लेकिन आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अब बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरीके के कोई दोषी पाया जाता है इस मामले में तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। हालांकि इसमें देखने वाली बात क्या होगी, ये होगी कि अब जेजेपी का क्या कुछ इस मामले में कहना है, क्योंकि आज जब चुनाव प्रचार के लिए फील्ड में दिग्विजय चौटाला पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको जांच ही करानी है तो नारायणगढ़ में जो माफिया गैंग घूम रहा है, जो अलग अलग माफिया अलग अलग तरीके के कांड कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो लगातार इसको लेकर के सियासत भी गरमा रही है। अलग अलग पार्टियों के अपने अपने बयान हैं। बीते रोज इनेलो के जो बड़े नेता हैं अभय चौटाला, उन्होंने भी कहा था कि अगर जांच ही करनी है तो क्यों किसी भी शिकायत का इंतजार किया जा रहा है, सरकार को जांच करनी चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस कहती है कि लगातार जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर के सत्ता की मलाई खाई है, तो इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जाते हैं। हालांकि इस पर क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चर्चा करेंगे इन सभी मामलों पर जो आज बयान आया है पूर्व मुख्यमंत्री का, मनोहर लाल का, और दिग्विजय चौटाला ने जो बड़ा पलटवार बीजेपी को लेकर के किया है। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले ही प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है और जेजेपी के विधायकों ने जो दुष्यंत चौटाला पर, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से सीएम सैनी का एक बयान सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई शिकायत हमें मिलती है तो उस शिकायत के खिलाफ हम जरूर जांच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांके, तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही थी, जिसके बाद से ये राजनीति हरियाणा की गरमाई थी। अब इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी इस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। जेजेपी का कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचार, इस तरीके का कोई भी अनैतिक काम हमारी सरकार के दौरान नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार फिर भी जो है कार्रवाई की बात कर रही है और अगर जांच की बात कर रही है तो वहां पर जांच करे, जो नारायणगढ़ में माफिया गैंग है उन पर क्यों नहीं जांच करती, उन पर क्यों नहीं किसी तरीके की जांच बैठाई जाती है, ये सवाल जो है जेजेपी लगातार उठा रही है। वहीं आपको बता दें, दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जेजेपी की जो प्रधान महासचिव है दिग्विजय चौटाला, वो गुरुग्राम गए हुए थे और यहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा, उन्होंने कहा कि पहले जो है जो गुरुग्राम की सीट है वो काफी साइलेंट सीट हुआ करती थी, लेकिन जब से राहुल फाजिलपुरिया को वहां से जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है तब से ये एक चर्चा का विषय बन गई, यानी एक तरीके से हॉट सीट बन गई है। उनका कहना है कि हर तरफ अब इस सीट की चर्चा हो रही है। तो वही आपको बता दें कि इन आरोपों को लेकर के जेजेपी का लगातार कहना है कि अगर आरोप लगे हैं तो बीजेपी भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है, यानी आरोप अगर हम पे लगे हैं तो ये आरोप बीजेपी पे भी लगने चाहिए, क्योंकि सरकार में दोनों लोग हिस्सेदार थे और हर काम के लिए दोनों लोग जिम्मेदार होने चाहिए। तो इसको लेकर के अलग अलग बयान है, पार्टियों के अपने हैं, जेजेपी के अपने बयान हैं, बीजेपी के अपने बयान हैं। और आरोप जो है वो कुछ टाइम पहले आपको बता दें कि जेजेपी के ही कुछ विधायक हैं, उन विधायकों ने लगाया था दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, जिसके बाद से अब ये सियासत जो है वो गर्मा गई है और तमाम तरीके की बातें इसमें निकल करके सामने आ रही हैं। तो हरियाणा की राजनीति में एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा भूचाल आ गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले छठे चरण में चुनाव होना है, यानी मतदान होना है, और उससे पहले ही जो है तमाम तरीके से राजनीति यहां पर गरमाती हुई नजर आ रही है। और ये जो दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के विधायकों ने लगाए हैं, ये मामला बीते 2-3 दिनों से काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ना तब से शुरू किया जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके ऊपर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हीं के विधायकों ने, जो उन्हीं के पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े थे, उन्हीं के पार्टी के निशान पर चुनाव जीत करके आए, और वही लोग उन पर आरोप लगाने वाले हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है, कोई शिकायत पत्र आता है, तो हम उसके खिलाफ जांच जरूर करेंगे।
और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविन्द्र सिंह ढोल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश भाटी जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अर्जुन सुढ़ैल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल राजवीर जी, आज आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूरा बवाल हुआ है भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के, बीते रोज जो है मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जेजेपी के विधायकों ने जो आरोप लगाया है, अगर हमारे पास कोई शिकायत पत्र आता है तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब जो है जेजेपी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जांच ही करानी है तो आप नारायणगढ़ माफिया गैंग की कराइए, उसकी जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं। जी मेरे से जी आपसे सवाल है। जी 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 नमस्ते जी, नरेंद्र भाई, राम राम सभी को, राम राम मेरी। नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ही फैसला रहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, और उसी को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नारायण सैनी जी ने आगे बढ़ाया उस जीत को। भाई जो भ्रष्टाचारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा कोई भी, वो चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो सकता है वो। अब जो ये एक दो दिन से बयानबाजी चल रही है, जो दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी कुछ बोला था, तो मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संदेश देते हुए कह दिया कि अगर फाइल आएगी तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि नारायणगढ़ माफिया गैंग पर क्यों नहीं आप जांच बिठाते, उन पर क्यों नहीं आप कार्रवाई करते। नहीं वो भी तो देते ना, उनको किसने मना किया, वो भी फाइल अपने दे दे फाइल। अब मुख्यमंत्री जी ने कब मना किया हम कार्रवाई नहीं करेंगे। सीधे मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र पर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि वहां पर जो माफिया गैंग चला उन पर कार्रवाई कीजिए आप। और एक बात और कही है, जेजेपी ने कहा है कि अगर आरोप लगे हैं, क्योंकि बीते रोज भी हमने इस पर डिबेट की थी, उन्होंने कहा कि अगर आरोप लगे हैं तो आरोप बराबर के लगने चाहिए, क्योंकि सरकार में हमारे साथ बीजेपी भी थी, हम अकेले नहीं। दिग्विजय सिंह को सीरियस कौन लेता है, दो तीन बार तो हार लिया वो। जी दिग्विजय सिंह को सीरियस कौन लेता है, उसके आरोप में क्या दम है। अच्छा आप कह रहे हैं कि उनको सीरियसली कोई नहीं लेता। चले हमारे साथ उमेश भाटी जी बने हुए। उमेश जी आपने सुना होगा राजवीर जी को, उन्होंने कहा कि दिग्विजय जी को सीरियसली कोई नहीं लेता, लेकिन दूसरी तरफ आज पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। हर खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योति जी, सीरियस कौन है नॉन सीरियस कौन है ये तो सब जनता जानती है, जनता बता देगी सबको, खाली राजवीर जी के एक लाइन से ये कहने से बात नहीं बनती है। और बहुत समझदारी से प्रवक्ताओं को अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता जो है पार्टी की बात को रखता है, तो ये अननेसेसरी के ऐसी बातें करना नेशनल चैनल पे शोभा नहीं देता। जहां तक बात है आरोपों की, तो जो दादा गौतम है उन्होंने 6 महीने जब शुरुआत हुई थी सरकार की, तब से आरोपों की झड़ी लगानी शुरू कर दी थी, और उसका कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। मंत्री ना बनाने के कारण उन्होंने आलंदगढ़ पता नहीं कितने आरोप लगाए, कितना सब कुछ बोला, लेकिन 4.5 साल बखूबी मनोहर खट्टर जी और दुष्यंत जी की दोनों ने मिलकर सरकार को हरियाणा में चलाया। आरोप लग रहे हैं अगर दुष्यंत जी पे, तो आरोप वो मनोहर खट्टर जी पे लगते हैं, क्योंकि सीएम कौन थे, मनोहर खट्टर, दोनों के ऊपर उन्होंने इसीलिए कहा है कि अगर जेजेपी पे आरोप लगेंगे तो वो आरोप बीजेपी पे भी लगेंगे। लेकिन आज 4.5 साल बाद में ये कहना कि किसी विधायक ने आरोप लगाया था, वो विधायक तो आरोप 6 महीने से लगा रहा था, तो साथ में 8 महीने से क्यों नहीं आप लोगों ने जांच कर ली। लेकिन ठीक है ज्योति जी, आज इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, और इलेक्शन के दौर में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पे चले, इनेलो पे चले तो समझ आता है, लेकिन जहां दोनों पार्टियां गठबंधन में जिन्होंने काम किया, और आज आप ये कहते हैं कि उनके विधायक ने आरोप लगाया था, तो हम जांच करेंगे, जांच करिए बिल्कुल, यही तो बड़ी बात है ना, यही तो बड़ी बात है, तैयार है जांच में तो, लेकिन जांच अगर दुष्यंत जी की होगी तो जांच मनोहर खट्टर की भी होगी, दोनों की जांच होगी, क्यों नहीं कह रहे हैं, पार्शियलिटी नहीं होगी। भाटी जी ये तो बताइए कि जो विधायक हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई जांच होगी तो मनोहर जी पे भी होगी, जांच होगी तो उन पे भी होगी, लेकिन ये विधायक सिर्फ दुष्यंत चौटाला का नाम क्यों ले रहे हैं। देखो मैंने आपको बता तो मैं नाम तक बता दिया ज्योति जी, मैंने गौतम जी का नाम बताया जिन्होंने ये आरोप लगाया, और ये आज तो 4.5 साल पहले नहीं, ये चार जब 6ठा महीना शुरू हुआ था सरकार का, तभी से उल्टी सीधी बातें यूज कर रहे हैं वो, इसमें एक विधायक नहीं कई सारे हैं, 4 से 5 लोग ज्योति जी, एक सेकेंड ज्योति जी,
अगर 6 महीने बाद 7 महीने बाद 1 साल बाद और पीछे भी आपने देखा होगा जब भी सदन चलता था वो किस तरीके से उल्टी सीधी बात करते थे, तो ये उसी समय क्यों नहीं जो है उनकी बातों पर आकर उन्होंने क्यों नहीं वहां पर एसआईटी गठित करी है, आपको क्यों नहीं उन्होंने फाइंड आउट किया कि क्या बात है। लेकिन आज हम जब जो अलग हो गए तो आपको दादा गौतम की बात याद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आरोप है तो आरोप की सच्चाई को जानिए और आरोप की सच्चाई में दुष्यंत जी की अगर आरोप है तो वो आरोप मनोहर खट्टर पे भी पड़ते हैं, वो बीजेपी भी पड़ते हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जीरो टॉलरेंस अगर आपकी है बीजेपी की तो जीरो टॉलरेंस दुष्यंत चौटाला की भी है, जीरो टॉलरेंस जेजेपी की भी है। रोहिला साहब बराबर के आरोप है, अभी भी वो यही कह रहे हैं बराबर के आरोप है, अगर जांच होगी तो दोनों पर होगी, खट्टर साहब पर भी जांच होनी चाहिए। जी ने कहा था कि भाई अगर कोई हमारे पास एप्लीकेशन आएगी तो संज्ञान लिया जाएगा, मैं फिर कहता हूँ भाटी जी को कि आप एप्लीकेशन दीजिए ना हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ, पूरे पिछले मना किया आपको, ठीक है। तो आपका जो नेता ने राहुल द्रविड़ जी के बारे में बोला है अनाप शनाप, तो आप अपने नेताओं को देखो क्या कर रहे हैं, वो लोग 4.5 साल तक ये साथ रहे, ठीक है। अरे सुनो माफी कह रहा हूँ, सुन लीजिए एक वीडियो आ रहा सामने, तो कह रहे थे मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मेरे खिलाफ था, जब जब कुछ लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो ऐसे नहीं पता जाएगा, ऐसे कौन पूछ देगा, तो हिसाब का तो यही होना सारा। लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो करके दिखाया है, और जो उन्होंने फिर कहा कि भाई अगर कोई एप्लीकेशन आएगी तो जांच होगी और जो दोषी होगा उसमें पकड़ा जाएगा। तो सीधा सा फंडा, अगर आपको लगता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पे कोई आरोप है तो आप एप्लीकेशन दे दिए, किसने मना किया आपको? अर्जुन जी आऊंगी आपके साथ आऊंगी। एक छोटा सा सवाल और है, उन्होंने ये भी कहा कि एक तो बराबर के जिम्मेदार उन्होंने कहा, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उनको मंत्री पद नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने ये आरोप लगाए। नहीं वो ऐसा है ना, वो उनका इनका नेता थे, बाद में विधायक बने, पहले तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, फिर उन्होंने भी ये भी कहा था मैंने जितवाया था, ठीक है। वो तो इनके पार्टी का इंटरव्यू मैटर है, वो तो वो जाने ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बोला उस बात में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, ठीक है ना, तो ये कोई विषय नहीं है कि। लेकिन भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति थी, है, रहेगी, मोदी जी ने बोला था किसी को। लेकिन सवाल तो ये भी बड़ा बनता है कि जब जीरो टॉलरेंस की नीति थी और इतने कड़क भ्रष्टाचार के खिलाफ थी तो ये सब चीजें हो कैसे गई इस बीच में? खैर लौटूंगी आपके पास, लेकिन अर्जुन जी कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इस तरह से डिबेट में बहस करने का काम कर रहे, इसी तरह से पिछले जब से सरकार बनी थी गठबंधन की तब से इस प्रदेश को लूटने का काम किया था। अब आप एक बार देखिए, चोर चोर मुखेरे भाई, आप तो ये कहावत सिद्ध हो रही है। एक बात तो जरूर दिग्विजय ने किसने कही कि भाई ये जांच तो मुख्यमंत्री की बड़ी, मुख्यमंत्री बराबर के हिस्सेदार थे, ये बात तो उन्होंने बहुत बढ़िया कही कि बराबर के हिस्सेदार थे, दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया। ये सरकार नहीं थी पिछले 5 साल से 4 साल से, ये सिर्फ लुटेरों का गौरव था, तभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला गया। एक तरफ तो ठीक है डिप्टी सीएम साहब घोटाले कर रहे थे, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, अनेक घोटाले अगर गिनाने बैठे बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना सिर्फ यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसलिए बदला गया कि दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया। प्रदेश की किसी को कोई चिंता नहीं थी वो, और रही बात एमएलए की शिकायत करने की, एमएलए की शिकायत करना खुद के जेजेपी की बढ़ती है, क्योंकि वो गौतम जी कहते थे ना अकेला 11 मैच में खा गया, वो ठीक कह रहे थे, लूट के खा गया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और दोनों मिलकर के दोनों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। लेकिन ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि उनको मंत्री पद नहीं मिला इसलिए उन्होंने ये सब किया, ये सब आरोप लगाए। आऊंगी आपके पास आऊंगी। देखिए मंत्री पद मिलना वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले ही लूट मचा रखी थी और उसमें मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी शामिल थे, इसीलिए उनको बदला गया। और दूसरी बात, शिकायत की बात आज खट्टर साहब भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, और सैनी साहब जो नए नए मुख्यमंत्री बने वो भी कह रहे हैं, जिन्होंने नारायणगढ़ की जो आप बात कर रहे थे वहां पर किस तरह से खनन माफिया का काम करने का किया वो सबको पता है।
शिकायत की बात मैं बता देता हूँ ज्योति जी, शिकायत की बात विधानसभा के पटल पर रही हो, मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात रही हो, सबूतों के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अनेकों बार विधानसभा के पटल पर ये बोला था कि घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच कराओ। शिकायत हम कई बार दे चुके हैं, शिकायत को इनको जरूरत ही नहीं है, शिकायत तो हम दे चुके हैं, हमने शिकायत दी है उसकी जांच करिए, और जो जांच कौन करेगा, क्योंकि खुद खट्टर साहब भी और दुष्यंत जी दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। हमने जांच चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा के पटल पर अनेकों बार रखी है, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है सबूतों के साथ, गवर्नर को हमने कई बार ज्ञापन दिया है सबूतों के साथ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जांचों की आपके इतने बार जो मुद्दे आपने उठाए उसकी अनदेखी की गई? बिल्कुल अनदेखी, और हमने ये कह रहे हैं शिकायत आएगी हम जांच करेंगे, शिकायत पहले हमने दे सकती है, हम लगातार विधानसभा में कितनी बार ये मुद्दे उठाए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, गवर्नर साहब को हमने कितनी बार ज्ञापन दिए और वो भी सबूतों के साथ दिए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। जांच करो ना, शिकायत की जरूरत नहीं है, शिकायत हमने बहुत पहले दे रखी है। ठीक है भाटी जी, छोटा सा रिएक्शन दीजिए, उसके बाद से फिर आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी, भाटी जी कुछ कहना चाहिए। देखिए नेशनल चैनल पर इस तरीके से इनेलो के प्रवक्ता को झूठ बोलना शोभा नहीं देता, बातें उठाना सबूत देने में दोनों में बहुत अंतर है, चिल्लाने से और उनसे भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता कोई, कौन सा सबूत दिया, कौन सा लेटर दिया, आज तक इस बात का किसी भी चैनल को पता नहीं है, किसी भी आदमी को नहीं पता है। बोलना ठीक है, चिल्लाते हैं अभय सिंह चौटाला जी खूब चिल्लाते हैं, लेकिन सबूत क्या दिया उन्होंने? आप फिर चाहते हो आदमी भ्रष्टाचारी हो जाए, आप दीजिए ना क्या आप जो है, लेकिन बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और हमारे हरियाणा में कहावत है कि खास तो बोलने वाले छलने भी बोले जी तो बात कर छेड़, तो ये बोल रहे हैं जिनका मात्र 2% है, यहाँ की इनेमो जो रह गई है हरियाणा में, बोलने के अलावा जिनके पास कोई काम नहीं है, सबूत नहीं है इनके पास में। दादा गौतम ने भी आरोप लगाया लेकिन उन्होंने तो कोई सबूत नहीं दे पाए, खुद दुष्यंत जी ने खड़ा होकर बोला था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो हम रिजाइन देंगे, लेकिन सबूत तो लेकर आओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है कि भ्रष्टाचार। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन रविंद्र जी हमारे साथ बने हुए, रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बने हुए। रविंद्र जी, तीनों को आपने सुना, अपने अपने बयान है, लेकिन इस बीच जो बड़ी राजनीति गरमा रही है हरियाणा में, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आरोप लग रहे हैं उस पर फिर पलटवार हो रहे हैं? देखिए ज्योति, इसका जो है जेजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का जो है अलग होने का गठबंधन है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले भी कहा है, ये जो है एक दूसरे को बोल रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जाती है, जेजेपी पिछली बार की तरह इनकी सपोर्टिंग हेड बन करके इनके साथ में आकर के और इनकी विरोध में विपक्ष में थोड़े लोगों को जनता को बरगला करके वोट ले जाए, वोट लेकर के फिर ये दोनों मिलकर के सरकार बना दे। देखो इतना दिन हो गए इनकी सरकार बने हुए, आज मीडिया के अंदर खबर इन्होंने चलाई कि भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी कोटे के चेयरमैनों को रिजाइन करने के लिए कहा, फैक्ट ये कि अभी तक रिजाइन नहीं किया। अब दूसरी चीज गजब देखिए, इनका महाधिवक्ता कार्यालय में जेजेपी कोटे के सारे जितने भी महाधिवक्ता थे, अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, सभी के सभी भी काम करने का काम कर रहे हैं, कम से कम 20 से 30 लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी तनख्वाह लेने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं, जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्य करें। मना करेंगे यदि भाटी जी तो मैं बाई नेम बताऊंगा सबके नाम, यदि मना करेंगे तो बाई नेम बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कौन, क्योंकि मैं उसी उच्च न्यायालय के अंदर बैठा हूँ, मुझे पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से लगा था और कैसे लगा था, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी। तो आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन भले ही टूट गया लेकिन अभी भी काम साथ अब इनका तो आपको ध्यान होगा, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अंदर एक पीसी हुई थी जहाँ पे कहा गया था, एक बड़ा एक प्रमुख समाचार पत्र ने बड़ा एक फ्रंट में न्यूज छापी थी कि जेजेपी और भाजपा का जो है पति पत्नी जैसा रिश्ता है, प्रमुख से खबर छपी थी राष्ट्रीय समाचार पत्र के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर, तो वो रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ है। ये जो तू तू मैमे चल रही है ये पीठ पीछे के लिए, जनता को दिखाने के लिए तू तू मैमे चल रही है, दोनों ने मिलकर के खाया है, जमकर के खाया है, जमकर के लूटा है, और उसके बाद इलेक्शन के टाइम पे लग इसलिए हुए ताकि एंटी इनकम्बेंसी वोट को बांटा जा सके, जनता को पहले की तरफ बरगलाया जा सके, इसके अलावा कुछ भी इनका एजेंडा नहीं है किसी भी प्रकार का, इसलिए दोनों की बातों को कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आगे चर्चा करूंगी इस पर क्योंकि यहां पर ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
The group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89-29-10-40-40 पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं, और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा, उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। भाटी साहब, अगला सवाल आपसे ही। एक बड़ा आरोप एक और लग रहा है आप पर। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि अभी भी आप लोग अलग नहीं है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक साथ मिलकर आपके उसमें काम कर रहे हैं, बीजेपी और जेजेपी वाले। ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, जनता को दोबारा बरगलाने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए ये सब किया गया है। ज्योति के जो आरोप उन्होंने लगाया, मैं आपको बता दूं कि आप लगभग दो या तीन से पहले अगर अखबार आप देखोगे, दैनिक जागरण और ये सब पेपर उठा के देखोगे, तो सब बाकायदा लगभग 10 से 12 एडवोकेट्स के नाम आए थे जो जेजेपी की तरफ से, और उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया है। तो ऐसा नहीं है, वो रिजाइन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। लगभग 10 से 15 लोग वहां से रिजाइन कर चुके हैं एडवोकेट्स जो है, और अभी भी और एडवोकेट जो है वो कर रहे हैं वहां से रिजाइन। तो वो प्रोसेस चल रहा है और उन्होंने रिजाइन कर दिया जब से हम लोग अलग हुए हैं। कोई अगर एक आध कोई रह गया तो उसका भी रिजाइन होना बाकी रह गया, वो भी वहां से रिजाइन कर देगा वहां पर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पेपरों में भी आ चुका है बाकायदा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये जो आरोप है ये आप ये जो लगा रहे हैं हमारे पर, तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हम लोगों पर आरोप लगाए, हम लोगों ने जो जेजेपी वालों ने जो इनका जवाब दिया है, वो कोई नूरा कुश्ती नहीं है,
ये असलियत है, सच्चाई है। हम लोग जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, जो हरियाणा की आवाज को हम बड़ी सांसद में उठाना चाहते हैं, हरियाणवी की आवाज को हम बड़ी सांसद में उठाना चाहते हैं, ये लड़ाई वो लड़ाई है। 10 के 10 जो एमपी की सीट है उस पर हमारे जो कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि यहां से हमारे एमपी निकल कर जाए और हरियाणा की वासियों की आवाज को बड़ी सरकार में जाकर उठाएं। अच्छा, आप एक चीज लगातार कह रहे हैं कि ये जहां तक आरोप की बात है, दूसरा जो आरोप इन्होंने लगाया भ्रष्टाचार का, अगर आप देखें तो मान साहब ने जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाया, जो केजरीवाल ने जो आरोप लगाया कि अगर कोई सबसे ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी है तो वो सोनिया गांधी है। अभी जब पंजाब के अंदर सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि कोई माँ अपने बेटे को अगर कहानी सुनाएगी तो सबसे छोटी कहानी एक ही सुनाएगी कि एक थी कांग्रेस। ये लोग गठबंधन में हैं, हरियाणा में एक सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी है, और किस तरीके से ये लोग नहीं, गठबंधन को मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो बात की है वो खुल के बताई है आपको कि हमारे यहाँ से रेजिग्नेशन भी सारे हो रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई नूरा कुश्ती है, हमारी लड़ाई असली लड़ाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा की आवाज, हरियाणा की वासियों की आवाज ऊपर लेवल तक पहुंचे। ठीक है रोहिला जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी आप सही, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक है, ये कोई दिखावापन नहीं है, 10-12 लोग रिजाइन दे चुके हैं और बच्ची को जो एक कदुका जो है वो भी रिजाइन दे, ये पूरे निराधार आरोप आप लगा रहे हैं। मैं तो, मेरे बड़े भाई हैं जगबीर मलिक जी, एडिशन ले जी, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए रिजाइन दिया है। मैं किसी दूसरे महाधिवक्ता कार्यालय के व्यक्ति को नहीं जानता जिसने रिजाइन दिया है। अब ये किन को जानते हैं ये इनको पता होगा। अब दूसरी जो चीज है, मेरे पास में बड़ी स्पष्ट तौर पर सूचना है कि जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से किसी को भी रिजाइन करने के लिए नहीं कहा गया था। यही कारण है कि आज इनके 3 चेयरमैनों के बारे में खबर मीडिया ग्रुप्स के अंदर। लेकिन आप कुछ नामों की बात कर रहे थे ना कि आपके पास नाम है, अगर है तो आप बताइए। मैंने एक बता दिया ना, मैंने एक का बता दिया मैंने नाम, उनके अलावा किसी ने रिजाइन, मैं नहीं जानता किसी और व्यक्ति ने रिजाइन किया। मैंने नाम कोट करा जिनका अखबार में नाम आया, मुझे पता है किसका नाम आया, भाई मेरे साथ बैठते हैं, मुझे पता है किसका नाम आया। उन्होंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके दिया इस्तीफा, समझिए। किसी भी व्यक्ति ने एजी ऑफिस में इस्तीफा नहीं दिया है जो जेजेपी के कोटे से कहीं ना कहीं लगे थे। इनके 3 जो है चेयरमैन, उनको आज जो है मीडिया में खबर चली है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, जैसे रणधीर सिंह जी हैं। तो इनके इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। पवन करकोदा जी आज तक तो चेयरमैन थे, अब कल रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, ये डिबेट के बाद में, आज तक वो चेयरमैन थे। तो ये क्यों, आप समझिए कि 1 महीने से ऊपर हो गया इनका गठबंधन टूटे। ठीक, क्या ये अब ये जो फ्यूड पिछले 2 दिन से दिखाया गया है चुनाव के टाइम पे, इस फ्यूड के अलावा कोई ऐसा बयान दिखा सकते हैं जो दुष्यंत जी ने जेजेपी के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ दिया हो? आज भी अपने आप को एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं इनके कार्यकर्ता, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनको लगा। ये चीजें जो है जनता को दिख रही है, यही कारण है कि जननायक जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। इनको समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि आप हर समय पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिख सकते। विपक्ष में है तो विपक्ष में रह करके दिखाइए, एक तरफ आप बेनिफिट ले रहे हैं और दूसरे तरफ विपक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है। मैं रोहिला जी आपके पास आते हुए, सवाल मेरा वही है जो मैंने जेजेपी के प्रवक्ता से पूछा था। कांग्रेस का कहना है कि आप दिखावा कर रहे हैं बार बार, लेकिन अंदर आपकी साठगांठ चल रही है अभी भी। ये सब जनता को बरगलाने के लिए हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए हो रहा है, ताकि दोबारा लोग आपको वोट कर सके। हमारा गठबंधन ना सिर्फ परिस्थितियों का सरकार चलाने के लिए, और 1.5-2 साल पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कोटद्वार में क्लियर कर दिया ना, सरकार हम चला रहे हैं और ये सिर्फ सरकार चलाने तक का गठबंधन है। ठीक है, वो एक निश्चित जब समय आया तो गठबंधन टूट गया और ये लोग बाहर निकल गए, और ये लोग तो मतलब जाना भी चाहते थे, सही मतलब ये तो कैसे गए सारी परिस्थितियों का पूरा हरियाणा को पता है। ठीक है ना, तो और वो चीजें दुष्यंत जी ने अपनी रैली में बोली थी। ठीक है ना, तो इनके साथ हमारा कोई गठबंधन आज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये अपनी जो भूमिका ये निभा रहे हैं, इन अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जब वाली में तो इनके साथ हुआ, एक नेता एक मिनट में डिनाई कर गया कि मैं तो बीजेपी के विरोध में था, तो 4.5 साल किसके साथ था वो। ठीक है ना, जब इनका कोई प्रश्न पूछ रहे हैं लोग, तो भाई
आप भी से चलो हमारे से 100% पूछ रहे क्योंकि हम उत्तरदायी है सरकार में है उनसे 100% पूछ रहे पड़े तो एकदम यू टर्न मार गया तो केजरीवाल को भी छोड़ गया पीछे ठीक है ना। तो ऐसी चीजें नहीं चलती इनके जो अभय सिंह चौटाला जी के लड़के अर्जुन जी शायद उन्होंने क्या बोला उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए मैंने ये बोला था कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है तो उनको ये नहीं पता उन्होंने बोलना कब क्या है ठीक है। अब जो राहुल इंद्रजीत जी के बारे में बोला उन्होंने जो कि राहुल इंद्रजीत बड़ा कद है पार्टी में अगर इनके सारे विधायक मिल ले तो फिर उनके बराबर कद नहीं बोल सकता उनका ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें मतलब बदल रही है और इनको आराम से संयम से काम लेना चाहिए भाई इन्हें जनता ने जाना है जनता के सवाल होगा इन्होंने जवाब देना चाहिए इनको। और लेकिन मैं फिर कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने साढ़े 9 साल में डिलीवर किया है और उसी के आधार से हम लोग वोट मांगेंगे और जनता इन्होंने जो किया है जनता को देखेगी। चलिए ठीक है हमारे साथ अर्जुन जी अब आपसे पूछना चाहूंगी जेजेपी का कहना है कि सवाल अगर कोई और उठाए तो समझ आता है लेकिन इनेलो उठाए तो समझ नहीं आता। आपके पास कितना है कितना वोट शेयर आपके पास है जो आप हम पर सवाल उठा रहे हैं जेजेपी का सीधा कहना है। देखिए अगर वोट शेयर की बात करूं प्रदेश के मुद्दे जब ये प्रदेश को लूटने का काम कर रहे थे दोनों पार्टियां मिलकर के उस टाइम चौधरी अभय सिंह चौटाला निरंतर लोगों के बीच में रहे चाहे वो लॉकडाउन की बात हो गेहूं जब नहीं खरीदी जा रही थी लॉकडाउन के अंदर भी वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसानों के लिए मंडियों में खड़े थे और जब आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर पर 700 किसान शहीद हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा देने का काम किया था। आज देश का प्रदेश का किसान कर्म मेरा वर्ग वो सारा अभय सिंह के साथ खड़ा है अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा है। हम निरंतर मैदान में हमने चाहे जिला परिषद का चुनाव लड़ा है वोट परसेंटेज की बात करें उसमें हमने अच्छे मार्जिन से चाहे वो जिला परिषद को नगर निगम को बहुत सारे चुनाव लड़े लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो अभय सिंह चौटाला जी कहते थे कि जेजेपी का नाम लेने वाला नहीं होगा आज गांव में जब जाते हैं लोग पत्थर मार रहे हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे जेजेपी की बात हो लोग पत्थर मार रहे हैं लोग भगाने का काम कर रहे हैं गांव में नहीं घुसने नहीं जा रहा है प्रदेश को बहुत लूट लिया प्रदेश की जनता समझ चुकी है और खुद के विधायक भारतीय जनता पार्टी पर नहीं थे 35 मिनट पहले नवीन जिंदल जी को कोयला चोर से कोहिनूर बनाने का काम किया 35 मिनट पहले रंजीत चौटाला जी को टिकट देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जिसके नाम पर वोट मांगी जा रही है कैंडिडेट के नाम पर नहीं अगर कैंडिडेट की बात करते हैं कि कैंडिडेट कौन है वो किसके नहीं कैंडिडेट से आपने कुछ नहीं लेना आपने मोदी साहब को देखना है वो कुरुक्षेत्र में आकर क्या कहते थे कि तिजोरी में कोयला रखने का पहला काम नवीन जिंदल ने किया है और हम उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे वो कोयला चोर से 35 मिनट में कोहिनूर बना दिए गए। तो इस तरह लोग प्रदेश की जनता समझ चुकी है प्रदेश की जनता अभय सिंह चौटाला के साथ खड़ा है किसान का मेरा वर्ग सबका सब अभय सिंह के साथ खड़ा है और आने वाले समय में देखिए हमने उम्मीदवार भी 6 से 6 घोषित कर दिए और भी उम्मीदवार घोषित करेंगे और प्रदेश की जनता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है जिसने जो लोगों के साथ खड़ा था आज लोग उसके साथ है इनको कोई गांव में घुसने नहीं दिया जाए हम एक अच्छे मार्जिन के साथ सीट हासिल करेंगे। चलिए ठीक है ये तो आने वाले समय की बात है किसके हिस्से में क्या जाता है लेकिन रोहिला साहब एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया था इससे पहले वो सवाल मैं लेना आपसे दरअसल भूल गई थी। इनेलो ने कहा था कि भ्रष्टाचार तो हुआ है खूब हुआ है और इस बात को खुद बीजेपी भी जानती है केंद्र की सरकार भी जानती है और जब वो जान गई तो इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया। ये सब इनके बेबुनियाद आरोप है और कोई भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री का पक्ष तो क्या विपक्ष भी नहीं लगा सकता। कोई प्रवक्ता भाई अजमेर कह लो क्या फर्क पड़ा जनता सब जानती है मनोहर लाल जी ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सरकार चलाई 9.5 साल 1,25,000 नौकरियां दी है पारदर्शिता से दुकान बंद कर दी उन्होंने दलालों की ठीक है ना। तो मुख्य एक सामान्य परिवार से आया हुआ मुख्यमंत्री चयन नहीं हो रहा विपक्ष को और अभी भी जो ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी धमकी लगी हुई है इन लोगों को ठीक है ना। ये सामंतवादी लोग नहीं है इसके कारण ही कोई चयन नहीं हो रहा ठीक है और मैं दावा करता हूँ अगर इनके पास कोई भी सबूत है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ देंगे वो खुद पेश हो जाएंगे ठीक है। ऐसी हिम्मत आप लोग कर सकते हो आप लोगों से कितने केस अधिक संपत्ति के आपको देखना चाहिए दूसरे करोड़ उठाने से उठाने से पहले 1.5% आपका वोट देंगे और आप दावा कर रहे पूरा हरियाणा में वोट देंगे हम ठीक। आप कितनी जगह जमानत बचा पाओगे आज ये 4 तारीख को पता लग जाएगा ठीक है ना।
ठीक है रोहिला साहब, एक बार सुन लीजिए, अर्जुन जी अपना जवाब दीजिए। ज्योति जी, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, जनता ने लगाए, नवीन जिंदल पर किसने आरोप लगाए थे ये बात पूछिए ना पहले। रोहिला जी बताइए किसने आरोप लगाए थे नवीन जिंदल। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक कॉन्क्लेव में बोला था, अगर कोई भी आ रहा है हमारे ऊपर जिसके ऊपर आरोप है, ईडी सीबीआई जो चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, किसी का केस खत्म हुआ तो बताओ, ठीक है ना। मतलब सुनिए मेरी बात, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद बनने जा रहे हैं 4 तारीख को। जो एक तरफ तो आप कह रहे हो भ्रष्टाचार को हम भगतेंगे नहीं, दूसरी तरफ खुद देश के प्रधानमंत्री जो सब कुछ है आपके लिए, वो खुद आरोप लगा रहे हैं 135 मिनट आप टिकट दे रहे हो, कौन विश्वास कर रहे हो। मतलब कोई भी केस विड्रॉ नहीं हुआ किसी का भी, किसी को कोई राहत नहीं है, बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किसी ने 1 रुपए का किया तो बताओ मेरे को, वो सारे पुराने कारनामे हैं वो सारे, तो ज्वाइन किसी ने ज्वाइन करने के बाद किसी ने 1 रुपए का तो बताओ मेरे को, ज्वाइन ज्वाइन करने से पहले कर रहा तो ठीक है, ये मानते हो अभी नहीं कर रहे इस पर अक्सर चर्चा करते हैं, आज दरअसल मुद्दा कुछ और है, भटक रहे हैं हम लोग। चलिए ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहिला जी उसके बाद लौटूंगी। जी आप रिएक्शन कुछ देना चाह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। अजीत अजीत पटेल जी जो है महाराष्ट्र में, जिनको इन्होंने एनसीपी से तोड़ करके गठबंधन साथ कराया, उनके ऊपर जितने भी चार्जेस थे ड्रॉप करने का काम किया गया है, मैं इनको जानकारी के लिए दे दूं। इनके एक नेताजी है, क्या नाम है उनके, वेस्ट बंगाल वाले, जो जिनका स्टिंग जारी हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा स्टिंग करा था और स्टिंग करके अपनी वेबसाइट पे लगाया था, उनको बाद में भाजपा में शामिल करके उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना करके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुनिए अब समझिए, आपके आसाम के जो हेमंत बिस्वा हैं जो मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज भी लग रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, जो ये आपके कर्नाटका वाले क्या नाम है इनका, जो लिंगायत नेता है जो पहले मुख्यमंत्री रहा करते, मैं मेरे दिमाग में उसका नाम स्लिप कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके ऊपर बकायदा लोकायुक्त में भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का साबित होने के बावजूद भी पार्टी में लेने का काम किया। अब समझिए कि इसके अलावा भी बहुत इंस्टांसिस है, अभी जनार्दन रेड्डी साहब को इन्होंने कर्नाटक के अंदर 17,000 करोड़ का घोटाला, खनन के घोटाले के आरोपी, उनको पार्टी में शामिल कराया, कोयले की दलाली वाले काम करने वाले, कोयला चोर कहने वाले जो है हमारे नवीन जिंदल को कहने वाले को भी जो है पार्टी में शामिल करने का काम किया। लाइन बहुत लंबी है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ते, सबको पार्टी में शामिल करके और उनको वॉशिंग मशीन में धो करके बाहर निकाल देते, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और बड़ी स्पष्ट तौर पर नीति है। तो एक व्यक्ति नहीं है, अब 1,00,000 करोड़ से ऊपर का तो घोटाला इनका जो ये है, जो इनका आपका जो इलेक्टोरल बोन्स का है उसके ऊपर का ही नहीं बात करते, जो भाई का धंधा भाजपा ने चलाया हुआ था कि पहले ईडी की कार्रवाई करा और उसके बाद में उसी कंपनी से जो है पैसा लेने का काम करे, ये जो धंधा है भारतीय जनता पार्टी का धंधा है, वो जनता इस बात को समझती है, जनता इस बात को समझती है, ये तो वॉशिंग मशीन लेके घूम रहे हैं कि मेरे पास आओ और क्लीन हो जाओ, और इसी कारण से लोग इनके पास जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अर्जुन जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा भाटी जी से, बहुत देर से उनसे सवाल मैंने नहीं पूछा है। भाटी जी, आप कहते हैं कि बराबर के हिस्सेदार होंगे, बराबर के जिम्मेदार हैं, अगर आरोप लगे हैं, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, आरोप लगे हैं तो बराबर के मनोहर लाल जी भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, यानी उन पर भी आरोप लगे हैं, अगर हम पर लगे तो उन पर, लेकिन ये क्यों नहीं आप कहते कि भाई कोई आरोप है ही, मतलब भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, चाहे जांच करवा लीजिए, क्या ये बताता है जेजेपी का डर है, क्या ये बताता है कि भ्रष्टाचार हुए हैं? नहीं नहीं ज्योति जी, सर मेरे जो मैंने जो बोला है उसको आपने तोड़ मरो, मैंने ये बोला है कि दादा गौतम ने ये शुरुआत में ही जब सरकार बनी थी तो 6 महीने से ही आरोप लगाना शुरू कर दिए था, और वो इसलिए आरोप लगा रहे थे क्योंकि उनको जननायक जनता पार्टी की तरफ से मंत्री पद का आगे नाम नहीं दिया गया था, उस वजह से उन लोगों ने निराधार आरोप लगाना शुरू किया था जिसका कोई आधार नहीं था। उसके बाद में हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि अभय सिंह चौटाला जी ने सदन में बात उठाई,
सदन में बात उठाना, चिल्लाना ये सब बात नहीं होती। कोई भी रिकॉर्ड किसी तरीके का कहीं भी इन्होंने नहीं दिया कि ये घोटाला हुआ है। कोई किसी तरीके की कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई सबूत नहीं आया। तो मैंने बहुत क्लियरली फिर दोबारा से कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का जो आरोप लगा रहा जा रहा है वो निराधार है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं इस चीज को फिर बार बार बोल रहा हूँ मैं, किशन जी के निराधार है। लेकिन अगर तो मेरा कहना ये है कि दोनों पार्टियों की सरकार थी, ये बात मैंने बोली है। ठीक ठीक है, चलिए अर्जुन जी रिएक्शन। ज्योति सबूत मांग रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कहने वाली बात नहीं है कि विधानसभा में बात रखी, इधर बात रखी, उधर बात रखी, उसे पत्र लिखा। सबूत दिखाइए ना, सबूत कहाँ है आपके पास? ज्योति जी मैं बताऊंगा, सबूत तो जांच करिए ना, सबूत तो अपने आप सामने आ जाएंगे। जांच कौन कर रहा था पिछले 4.5 साल से? किसी ने कोई जांच नहीं की। चोर मुसेरे भाई हो रहे हैं, क्योंकि अब भाटी साहब ने खुद माना और जो दिग्विजय जी कह रहे हैं कि जी दोनों पे आरोप लगने चाहिए, तो इसका मतलब खुद मान रहे हैं ना कि दोनों पे आरोप लगने चाहिए। जांच करिए, हम तो कह रहे हैं जांच कौन करेगा? ज्योति जी जांच तो कहीं नहीं हुई आज तक, सबूत तो हमने दे दिए। जांच कोई करेगा, जब जांच होगी अब कहीं ना कहीं जा करके सारा कुछ सच सामने आएगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब शिकायत आएगी तभी जांच करेंगे, इसका मतलब उनके पास शिकायत गई नहीं। शिकायत किस तरह दे? विधानसभा में बोलना कोई छोटी बात नहीं, उसके पूरे रिकॉर्ड होता है। वो विधानसभा में कोई झूठ नहीं बोलता। मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी ज्योति जी, मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी, गवर्नर को हमने ज्ञापन दिए, सबूत के साथ दिए। लेकिन तब कोई जांच करेगा, क्योंकि अभी तक तो दोनों सरकार में थे। अब थोड़े दिन रुकिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और उसके बाद देखना इनके क्या क्या चिट्ठी बोलेंगे और ये जेल किस इलाकों के पीछे होंगे सारे के सारे। और दूसरी बात, अब तक जब तक मुख्यमंत्री की और दुष्यंत जी की लेन देन भ्रष्टाचार अच्छे से चलता रहा, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही लेन देन बंद हुआ, जैसे ही भ्रष्टाचार में अलग अलग हुए, लेन देन में सही नहीं चढ़ा, बात तो धीरे नहीं चढ़ा पाए, तो अलग अलग हो गए। तो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा देना भी और दुष्यंत जी का भी बाहर निकालना, तो ये सारा सर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है, प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये आने वाला समय बताएगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं होगा। ठीक है अर्जुन, बड़ा सवाल रोहिला जी आपके लिए यहाँ पर निकल रहा है। इनेलो लगातार करे कि हमने आवाज उठाई। आप कहते हैं शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे, हमने तो कई बार शिकायत कर दी है, हमारी शिकायतों की अनदेखी हो रही है। इनेलो के जो साथी मेरे प्रवक्ता जी, तो ये कह रहे शिकायत दी, कहाँ है शिकायत की कॉपी? मुख्यमंत्री जी ने बोला है हमारे पास कोई शिकायत आएगी, कोई फाइल आएगी, हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, इनके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है। जब मुख्यमंत्री जी ने खुला ऑफर दे दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने खुला ऑफर दे दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बोला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करनी है। तो मेरा निवेदन है आपसे अर्जुन जी, आप लोग शिकायत दीजिए लिखित में, ऐसे हवा भाई बातें मत कीजिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो आप लोग अलग अलग आरोप लगाते हो, ठीक है ना अर्जुन जी, एक बार उन्होंने कभी भी उनके बारे में कोई भी ना पक्षवाड़ा ना विपक्षवाड़ा ना जनता, आप जनता में जाके देखो, उन जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री 70 साल में नहीं हुआ कोई भी, ठीक है ना। और उसके बाद नायब सैनी जी आए हैं, नायब सैनी जी के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये सबके कुंदन है, 4 तारीख के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप लोग देश दुश्मन की पार्टी है, आप अपनी सम्मान को बचा लो, मुझे तुम बहुत है बस, ठीक है ना। ज्यादा अपने मेहनत करो, आप लोग मेहनत करो बजाय आरोप लगाने के, फील्ड में काम करो। आप लोग भारतीय जनता पार्टी सबकी तरफ जीतेगी, ठीक है ना। आपके आरोपों को जनता सीरियस नहीं लेगी, चलिए ठीक है ना। छोटा सा जवाब अर्जुन जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद भाटी साहब आपके पास आऊंगे। कहाँ चिट्ठी लिखी, कहाँ? चलो और सब बातें मान नहीं रहे हैं, विधानसभा की रिकॉर्ड तो मानते होंगे,
जो पूरा आपका चैनल दिखाता था, दिन रात चलता था, वहां कितनी शिकायतें, कितने मुद्दे हमें दिन दिन उठाए, किसी ने सुनी उनकी? एक नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो ये लुटेरों का गठबंधन, ये ठग बंधन कभी का खत्म हो जाता। लिखित में शिकायत लाइए, वो कह रहे लिखित में शिकायत लाइए। लिखित में दिए है, मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना, हमने गवर्नर साहब को इनके कितनी बार हमने ज्ञापन दिया है, इनको थोड़ी पता है, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। वो मैं अखबारों में देखे, टीवी चैनल पे देखे, अब ऐसी जी ने लगातार निरंतर। चलिए ठीक है, ठीक है, समय की कमी। भाटी साहब, फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगे, उसके बाद रविंद्र जी आपके पास आऊंगी। ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर अपने हरियाणा वासी को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष है ये निराधार आरोप लगा रहा है। मैं फिर बहुत क्लियर तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचार किसी तरीके का भी नहीं हुआ है, और इनेलो के पास में कोई भी, इनके पास में ना कोई सबूत है ना कुछ है। और दुष्यंत चौटाला जी बहुत बार इस बात को बोल चुके हैं कि अगर कोई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हरियाणा के अंदर है तो वो अभय चौटाला जी। तो इसीलिए उनकी बात को सीरियसली इसलिए नहीं लिया जाता, ना सदन में लिया जाता है ना सदन के बाहर लिया जाता है, क्योंकि वो आरोप लगा देते हैं निराधार आरोप, उनके पास में ना कोई सबूत होता है ना कोई कागज होता है। और सच्चाई तो ये है, अगर आपके पास आरोप है तो लेकर आइए ना, हम तैयार हैं जांच के लिए, हम जांच के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हम हरियाणा की आवाज को देश के साथ में मिलाना चाहते हैं। हमारा जितने भी एमपी जीत के आएंगे वो हरियाणा की आवाज को उठाएंगे। इसलिए मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि किसी तरीके का भी कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है तो हम सबूत लेके आइए, और हम तैयार बैठे हुए हैं, हम हैं तैयार बिल्कुल। तो इसीलिए ये सब बातें चैनल पे बोलने से या सदन में चिल्लाने से नहीं है, बाकायदा दीजिए आप एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन देके दिखाइए ना, बताइए कहाँ सबूत है आपके। ठीक है भाटी साहब, ठीक है, समय की कमी है। अर्जुन जी, फाइनल रिएक्शन आपका, माफ कीजिएगा रविंद्र जी, रविंद्र जी, लिखित में आपको थोड़ी देंगे, मुख्यमंत्री जी को दे दिया हमने, ठीक है, हमने विधानसभा में भी उठा लिया है, आपको थोड़ी शिकायत, आप उनसे पूछिए। मांग रहे हैं, यदि आपको आपत्ति है तो आप दे दीजिएगा। रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगे। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी फाइनल रिएक्शन आपका, 10 सेकंड आपके पास है। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी एक है, अलग रहने का कितना भी ढोंग करे, भ्रष्टाचार से लिप्त दोनों भी दोनों पार्टियों की जनता के वर्ग सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि जब से जेजेपी के विधायकों ने दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाए, उसके बाद से जब सीएम का बयान सामने आया, तो उसके बाद से सियासत काफी गर्म हो चुकी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।